हलकट, ऐसे अकेला अकेला क्यों आता है? कोई तुझे उड़ा देगा तो क्या करेगा रे? ए इधर सुन, मुझे मारने की ताकत इस शहर में किसकी है? भाई इस पूरे शहर में केबल का बिजनेस मेरा ही चलता है, सबका ओके है, तेरा ही क्यों प्रॉब्लम है? भाई दया करके मेरे पेट पे मत मारो। भाई पेट पे नहीं मारूंगा। ठीक है भाई, वैसे भी क्या है कि आपसे लड़के कोई फायदा नहीं है भाई। अब हद है भाई, अपने चार लड़के लोगों को काट डाला भाई। मुझे भी काट डालते थे लेकिन बच गया मैं। कुछ भी करके उस तिलक राज को खत्म कर देना चाहिए। उसको मारने की ताकत अपने शहर में किसकी है भाई? पत्थर। पत्थर, उस तिलकराज को खत्म कर। किसने? पत्थर, उसका अड्डा। भाई नहीं, पुलिस की वजह से बच गया। भाई भाई पत्थर को अरेस्ट कर लिया है। क्या, पत्थर को अरेस्ट कर लिए? देखो विद्यार्थियों, मैं गांधीवादी हूँ, तुम लोग सब शांत रहो, मुझे शांति पसंद है, समझे? ये एक प्रसिद्ध महाविद्यालय है, यहाँ कितने ही बेनाम लोग आकर गुंडे और बदमाश बनकर चले जाते हैं, लेकिन इस कॉलेज का एक सम्मानित विद्यार्थी श्रीराम उर्फ पत्थर भी है।
सर ये पत्थर है कौन? हम प्रेस वाले से जानते तक नहीं। वो इतना खतरनाक क्यों है सर? उसको अरेस्ट किया तो कमला नगर में बवाल हो गया, जुहू में दंगे हो गए, अमिती बाई कॉलेज बंद हो गया। आखिर एक सामान्य गुंडे का इतना क्या बैकग्राउंड है सर? आप लोगों के लिए नया हो सकता है मगर हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत पुराना है। उसका असली नाम श्रीराम। पहले वो जेके के पास काम करता था, वो फील्ड छोड़ने के बाद वो जलील से मिल गया। अभी जलील ही उसका उस्ताद है। ये थोड़ा पागल है, बड़ा रफ एंड टफ है। अपोजिट पार्टी कैसी भी रहने दो, आगे पीछे बिना सोचे समझे काट डालता है। बहुत जालिम है, इसीलिए इस फील्ड में उसको डर से पत्थर कहकर बुलाते हैं, दो जिगर वाला पत्थर कहकर बुलाते हैं। और इसको एक फोन करते ही इंजीनियरिंग सीट, मेडिकल सीट इसके कोटे में बुक हो जाती है। फिर उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया गया सर? बोलिए सर। गवाह नहीं था। सर सर क्या है? पत्थर को खाना देने गया तो सर मुझे मारा। ये देखिए सर, इधर मारा। ओ डैम इट। आओ आओ। साले। पत्थर को रिलीज करो। ए, रिलीज करो उसको। देख पत्थर, मैंने अगर तुझे नहीं छुड़ाया होता तो जलील आकर छुड़ा ले जाता, मगर मैं जो तुमको बोलना चाहता हूँ वो नहीं बोलता। देखो, एक अच्छा इंसान मरेगा तो लोग रोते हैं, मगर बुरा आदमी मरे तो खुश होते हैं। ये गुंडागर्दी जो है ना, इसमें जान का खतरा हमेशा है, कोई ना कोई मार डालता है। हम लोग कब मर जाएं बोल नहीं सकते हैं। यही सत्य है पत्थर। मुझे देख, एक समय वो था, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में खाना होता था, पर सुकून नहीं था। अभी गुंडागर्दी छोड़ दिया, अब आराम से हूँ। ये गुंडागर्दी छोड़कर तू मेरे साथ चल, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो मैं दूंगा, आराम से जिंदगी बिता। इस गुंडे को चंदा मामा की कहानी सुनाकर चेंज कर रहे हो क्या? इस हाथ में जब तक तलवार पकड़ने की ताकत रहेगी तब तक मैं सिर्फ जलील के लिए ही काम करूंगा। अपने लड़के लोग आ गए, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। ए पत्थर। पांडे कैसे हो? पक्या नागा। चलो अब तो इसको समय ही अकल सिखाएगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पत्थर। क्यों नायडू? अरे यार, तू 3 दिन तक अंदर रहा, उन लोगों ने तुझे बाहर निकालने की भी कोशिश नहीं की। उन लोगों का क्या कमिटमेंट था पता नहीं। उसकी तो माफ की, मैं कुछ बोलूंगा तो घुरता ही रहता है। जी तो करता है आंख पे बंदूक रख के 6 की 6 डाल दूं अंदर। हम लोग क्यों उनके हाथ के नीचे काम करें पत्थर? वो नहीं होंगे तो क्या हमारा धंधा नहीं चलेगा? अरे जब अपन लोग इस फील्ड से बाहर हो जाएंगे तो देखता हूँ फिर मैं वो साले कैसे धंधा करते हैं ये। नायडू, चढ़ी हुई सीढ़ी को कभी लात नहीं मारना चाहिए। नमस्कार।
बाबला, भाई किधर है? भाई पत्थर, मेरे शेर, तेरे आने के बाद मुझे कोई हिला नहीं सकता। आजा खान, मेरे इस राज्य का यही बादशाह है, बैठो। अब बोलो खान, क्या मैटर है? वो लैंड की कीमत 6 करोड़ है, सेटल किया तो तुमको 50 लाख रुपए। 1 करोड़? ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? शिवाजी नगर रियाज। रियाज, पत्थर, बोलो। शिवाजी नगर वाली प्रॉपर्टी की डील मुझे मिली है, उस मैटर के बीच में तू मत आना। ए साले, शिवाजी नगर मेरा एरिया है, इधर पत्थर या जलील का कुछ नहीं चलेगा। मेरे रास्ते में जो आएगा सबको काट डालूंगा, समझा क्या तू? भाई, अब तक तुम्हारे लड़के लोग उन लोगों को काट के शिवाजी नगर के गटर में फेंक चुके होंगे। वो लोग तुमको मारने आए थे और तुमने उनको ही ठिकाने लगा दिया। बहुत श्याना रे तू। अच्छा, मुझे जिंदा मत छोड़, अगर मुझे जिंदा छोड़ा तो तू नहीं बचेगा। मुझे जिंदा रहना। आज तुम दूसरों को मार रहे हो, कल के दूसरे तुम्हें मारेंगे, उसका जरा सा भी डर नहीं है तुम्हें? डर किसको? पत्थर को। श्री राम को कोई हाथ लगाएगा ना तो एक एक को फोड़ डालूंगा मैं। समझो मरा।
व्हाइट दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। नायडू, क्या हुआ आज अपने लड़के लोग देख नहीं रहे हैं? हाँ यार पत्थर, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते देखते लड़के लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक मिनट। नमस्ते भाई, ये पैसे रख लीजिए। MBBS की सीट का पैसा अभी आया नहीं है, पहुंचा दूंगा। लेट क्यों हुआ? वो क्या है ना भाई, अपने कॉलेज में एक सुपर लेक्चर आ रही है भाई। उसकी नाक, उसकी आंखें और उसका चेहरा, उसको देखोगे तुम मेंटल हो जाओगे भाई। भाई तुम उस पे लाइन मारो भाई। इतनी खूबसूरत है, चल निकल। अरे पागल, वो इतनी अच्छी है कि देवी देवी सौंदर्य देवी, अगर भाई आपने उसको पटा लिया ना तो आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। जितना तेरा काम है उतना ही कर, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर। सॉरी भाई, मेरे दिमाग का दही हो गया। भाई जा क्या हो भाई, टेंशन मत लेना, भाभी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं देख लूंगा। कॉलेज फ्रेंड है रे, सिगरेट है क्या? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनो हरि। वर वधु एक दूसरे के गले में जयमाला डालो। आप लोग वर वधु को आशीर्वाद दीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरी काक्षा मंगलाय तनो। अबे साले, मैं तब से देख रहा हूँ घूर रहा है तू, आप सिग्नल कर रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा आज मैं। हाँ अब तेरी तो बहुत घूरता तू लड़कियों को। हाँ ये बताता हूँ तुझे, आज देखिए देखिए देखिए, आप नहीं जानते थोड़ी क्या किया है, इशारा कर रहा है ये। थोड़ी आप एक एजुकेटेड होकर इस तरह मिसबिहेव करेंगे ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। सॉरी भाई। ए आपको पता है इसने क्या किया है, लड़की को घूर रहा है ये। अरे ये कैसे इशारा कर सकता है, देखिए ये तो अंधा है, अंधा। What? अंधा है क्या? आई एम रियली सॉरी सॉरी 101% मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लीज आप बुरा मत मानिए, बैठिए प्लीज बैठिए। वो ठीक है लेकिन आपको, मैं आर्ची का पिता हूँ। आप उसके पिता हैं, लेकिन वो तो बता रही थी कि वो अनाथ है। मतलब आप सेकंड सेटअप तो नहीं? उसके बाप की तरह बेटे, मतलब वो जहाँ रहती है उस मकान का मालिक हूँ। मालिक बाप की तरह, उम्र हो चुकी है, नो प्रॉब्लम। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए, शुरू करते हैं। ज्यादा मेकअप मत करो, मुझे तुम पसंद हो ना, और तुम्हें मैं पसंद हूं, तुम्हें मैं पसंद आ गया हूं, मुझे तुम पसंद आ गई हो, बस मेकअप की क्या जरूरत है, देखने वाले लड़के लोग तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर नीचे करके जाना है, सर उठाकर किसी लड़के को नहीं देखना है। ओके बी ए गुड गर्ल। क्या बे साले, तुझे रोज रोज नई लड़कियां चाहिए हा? रोज रोज नई लड़की चाहिए, अब गुंगा क्यों बना है? बोल, बोलता क्यों नहीं? लाइन मार रहा था लड़कियों पे। तुम्हारे कॉलेज में लड़कियों का अकाल पड़ गया क्या, जो तू हमारे कॉलेज में आके लाइन मार रहा है? तेरी तो, चल निकल यहाँ से। फिर कभी यहाँ कदम रखा तो उड़ा दूंगा। आरती, गुरु मैं जो बोल रहा था ना, परियों की हसीना आरती, वो उधर जा रही है, देखो। कहाँ है रे, किधर है? अरे अरे तो उधर जो साड़ी पहन के जा रही है, वो ब्लू साड़ी में। ओहो, इस गाड़ी को भी अभी आना था क्या, मिस हो गई। डोंट वरी भाई, नेक्स्ट पीरियड उसका है, क्लास में गए तो उसको आराम से देख सकते हैं। चलो भाई क्लास में चलते हैं।
लाइफ में कभी क्लास में तो बैठे नहीं, चल आज चल कर बैठते नहीं यार। आइए आइए आइए, क्लास में जाएंगे। नमस्ते, हाय। ये जो लाइफ है ना, इधर ही क्लास। अबे आई क्यों नहीं अभी तक वो? पहला पीरियड उसी का है भाई, बस आती ही होगी। पायल की आवाज, छम 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 छम, वो आ गई। हाय, जा यहाँ से। अबे तेरी तो, अबे तेरी तो, मारो इसे, इसको मारो साले को। काम करते हैं, एक चिल्ड बियर पीते हैं। कौन है रे जो इतना पोज दे रहा है? अरे डेली आरती मैडम को जो पिक ड्रॉप सर्विस करता है ना, वो यही है ये। आओ। कौन सा सूट है ये? रेमंड्स है क्या? सिगरेट फेंक। देखने में तो छक्के जैसा है, शो दिखा रहा है क्या? मैं कौन हूँ पता है? पत्थर, नाम सुना है? इसका राइट हैंड हूँ मैं। ए, तेरा और आरती का संबंध क्या है? वो मेरी होने वाली बीवी है। तू आरती से शादी करेगा? आरती को अपना पत्थर प्यार करता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली प्यार कर रहे हैं। तूने उनको डिस्टर्ब किया ना तो काट कर रख दूंगा। नो, व्हाट रविश यू टॉकिंग? वो किसी को प्यार व्यार नहीं करती, तुम झूठ बोल रहे हो। देख, तेरे को मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर दोबारा आरती के साथ तू दिखा तो तुम्हारा जो ये लंबा पैर है ना, उसको नमक मिर्ची लगा के लेग सूप बना दूंगा। चल फट, चल फट, निकल 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 निकल, नहीं तो किसी लायक नहीं छोड़ूंगा तेरे को। चल बैठ, निकल, फट फट। गुरु, वो दोनों प्यार कर रहे हैं, तुमने झूठ बोल दिया। अरे रे, अभी नहीं कर रहे तो क्या, बाद में तो करेंगे ना। अरे बुद्धू, पत्थर मेरा क्लोज फ्रेंड है, चल सिगरेट निकाल। भगवान कसम, मैं उन लोगों को नहीं जानती, मैंने उनकी शक्ल तक नहीं देखी, प्लीज मेरा यकीन करो। तो फिर वो लॉफर ऐसा क्यों बोल रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? मुझे नहीं पता, मैं किसी को जाने बिना प्यार नहीं कर सकती। नो 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 नो, ऐसे ही तुमने फ्रेंडशिप में फ्रेंड के साथ क्लोज की बातें की होंगी, उसे ही वो लोग प्यार समझे होंगे, उनको गलत फहमी हुई होगी। हे भगवान, मैं आपको कैसे बताऊं? आज तक मैंने उसको देखा तक नहीं है और आप कह रहे हो मैं उसे फ्रेंडशिप करूंगी? सचमुच तुमने उसे देखा नहीं? मुझे पता है, उनकी शक्ल देखकर ही मुझे पता लग गया था वो लोग झूठ बोल रहे हैं। गुड, वेरी गुड, तुम मेरी हो, तुमने सिर्फ मेरे लिए ही जन्म लिया है। अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल होकर क्या करूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। मेरा एक अजीब कैरेक्टर है, मैं जो पसंद करता हूं वो चीज मुझे नहीं मिली तो वो चीज दूसरे को भी नहीं मिलने देता। तुमने सचमुच उससे प्यार तो नहीं किया ना? नहीं नहीं नहीं। ओके 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 ओके,
अब मुझे शांति मिली। तुम उस टाइप की लड़की हो ऐसा मैं मरते दम तक नहीं सोचूंगा, पर मैं क्या करूं, मेरा करैक्टर ही ऐसा है। मैं मेरी मम्मी का भी यकीन नहीं करता था। ये शक करने की बीमारी को कम करने की मैंने बहुत कोशिश की मगर वो कम नहीं हुई, बढ़ती ही गई। मैं क्या करूं, मुझे समझा करो। चलो कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं। बहुत सारे लड़के हैं, संभाल कर जाना। ओके, ऐसे लड़के लड़कियों के पढ़ने के कॉलेज क्यों बनाए? हम लोग 2400 घंटे मरते हैं, इन लड़कियों को यकीन नहीं कर सकते। जाने दो, मैं खुद ही पीछा करके कन्फर्म कर लेता हूं। तुम लोग आरती मैडम को जानती हो? पता है। लेक्चरर आरती का पत्थर से कोई संबंध है क्या? ए इडियट, चल भाग यहाँ से। तुम लोगों को पूछूंगा तो तुम कहाँ बताओगी? आखिर तुम लोग लड़कियाँ हो ना, मैं ही ढूंढ लूंगा। उसी दिन बोला था ना उसके साथ मत घूमो। उसके साथ मेरा एंगेजमेंट हो चुका है। वो मुझसे कह रही थी कि वो किसी और से प्यार नहीं करती है, कि उसने पत्थर को देखा ही नहीं है। ओह, ये क्या सीन है? ए, इसको इधर बिठा कर रखो, मैं आता हूं। ए, ये कौन है पता है ना? आरती की क्लोज फ्रेंड, इससे पूछो। प्रीति, आप ही बताइए, आरती मुझे छोड़कर किसी ऐरे गहरे से प्यार नहीं करती है ना? पत्थर और आरती के बीच में कोई संबंध नहीं है ना? देखिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, प्लीज आप ही बताइए। प्रीति, उन दोनों के बीच में तुम दीवार क्यों बन रहे हो? वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, प्लीज उन दोनों के बीच में मत आओ। नो! तुम झूठ बोल रही हो। अगर वो उससे प्यार करती है तो मेरे साथ सगाई क्यों की? नो, तुम झूठ बोल रही हो। देखो, मैं क्यों झूठ बोलूं? आरती और पत्थर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उस नाराजगी की वजह से ही उसने तुमसे सगाई की थी। प्लीज उन लोगों को डिस्टर्ब मत करो। नो नो नो, इट्स इम्पॉसिबल। वो मुझे धोखा दे ही नहीं सकती। यू आर ऑल लॉयर्स, लॉयर्स, ऑल लॉयर्स। वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। यू आर ऑल लॉयर्स। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। आवाज। उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन क्यों धोखा दिया? मैं जो पसंद करता हूं वो चीज अगर मुझे नहीं मिली तो किसी और को भी नहीं मिलने दूंगा। ये गैरेज हमारा लड़का चलाता है, तू यहां से कल्टी मार। यार, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, पत्थर को बोलता हूं। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है
तो 5 मिनट के अंदर ये जगह खाली कर दो, नहीं तो पत्थर आ जाएगा। पत्थर? अब कौन है रे साला वो पत्थर? मैं रियाज नहीं जमीर, शिवाजी नगर का डॉन। अगर हिम्मत है तो सामने आ। चलो हम लोग भी इस तरह की डीलिंग करते हैं, समझ गए? तुम इतनी खूबसूरत दिख रही हो, ऐश्वर्या राज जैसी दिख रही हो। सुपर सुपर, देखो मुझसे शादी करने वाली हो ना तुम? हाँ, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आप नहीं आए ना, क्लास को देर भी हो रही थी इसलिए मैं बस से चली आई, सॉरी। क्लास को लेट हो रही थी या पत्थर को मिलने को लेट हो रही थी? छी, मैं पत्थर को जानती तक नहीं हूँ, मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा, कितनी बार समझाऊँ आपको, आपको मुझ पे भरोसा नहीं क्या? कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही हो, हाँ तुम तो माधुरी को भी हरा दोगी। ऐसी एक्टिंग करके तुमने ना जाने कितनों को पटाया है। तुम एक इंसान हो, तुम एक शकी हो, पक्के सैडिस्ट, सिर्फ एंगेजमेंट हुई है तो इतना टॉर्चर कर रहे हो, अगर शादी हो गई तो टॉर्चर कर करके मार डालोगे। तुम मुझसे शादी करने लायक नहीं हो, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ये लो तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग। आरती, इतनी छोटी बात के लिए तुम नाराज हो गई? देखो मैंने तुम्हें टेस्ट किया था, तुम जब नाराज हो जाती हो तो बहुत अच्छी दिखती हो, बस इतनी सी बात के लिए तुमने रिंग उतारकर फेंक दी। तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तो तुम उस पत्थर के साथ रंगरेलिया मनाओगी, शादी कर लोगी। मैंने उसी दिन बताया था मेरा कैरेक्टर ही डिफरेंट है, मुझे जो पसंद आती है वो नहीं मिली तो वो चीज किसी और को भी नहीं मिलने दूंगा, समझी? नहीं, लेक्चर जो आई है ना आरती मैडम, उस पे किसी ने एसिड डाल दिया भाई। सब कैसे हुआ? ए, ये तुम्हारी वजह से हुआ, इस सब की वजह तुम हो। मेरी वजह से हुआ? ये क्या कह रहे हैं? आरती की ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई थी और शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी, लेकिन तुम्हारे लड़कों ने मुझे डरा धमका कर। देखिए मैडम, अपना पत्थर आरती मैडम को प्यार करता, पत्थर और आरती डीपली प्यार कर रहे हैं, ये झूठ सागर को बोलो। नहीं, नो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, अब तो ऑलरेडी आरती और सागर की सगाई हो चुकी है, आरती की जिंदगी से मैं खेल नहीं सकती, ये सब मुझसे नहीं होगा। ए! देखो तुम अभी अगर झूठ नहीं बोलोगी तो
पत्थर तुम्हारी बॉडी एक इंच भी नहीं छोड़ेगा, काट के रख देगा। तुम मुझे ज्यादा टेंशन मत दो, चलो चलो, मैं कहता हूँ चलो। सागर ने उसे सच समझ कर गुस्से से आग बबूला होकर आरती के ऊपर एसिड डाल दिया। क्या रे, वीर ठंडी नहीं है हाँ? पत्थर एस्केप। ऐ वहीं रुको, दोनों इधर आओ। ऐ इधर आ रे, ऐ तुम लोग जाओ इधर से। उस मासूम लड़की की तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी भाई। माँ कसम, माँ कसम भाई, कुछ गलत सोच के नहीं किया ये। आरती जैसी एक अच्छी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी, तुम ये गुंडागर्दी छोड़ के तुम सबकी तरह एक अच्छे आदमी बन जाओगे, यही मेरी इच्छा थी। यही सोचकर मैंने एक झूठ बोला, ये बात इतनी सीरियस हो जाएगी पता नहीं था। भाई भाई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई, मुझे माफ कर दीजिए भाई। ये हे भगवान, ये क्या हो गया? उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने और उसकी वजह तुमने मुझे बना दिया। हे भगवान, जिस दर्द को मैं दिन रात भूलने की कोशिश कर रहा था, तुमने वापस उसे कुरेद कर रख दिया। ऐसे ही मेरी माँ दर्द में तड़प तड़प के मेरी आंखों के सामने ही माँ माँ। आंटी, मेरा बेटा कॉलेज से आएगा, उसके लिए कुछ खाना बनाना है, ऐसा कहकर अंदर गई, गैस बस्ट हो गया। माँ, 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 हे भगवान, भगवान माँ, माँ। देखिए वो जिंदा तो रहेगी लेकिन किसी काम की नहीं। डॉक्टर साहब, अगर इस हालत में जिंदा रही तो हमें भी तकलीफ, उसे भी तकलीफ, इसलिए उसको खत्म कर दीजिए ना। यू रास्कल, गेट आउट। ये लो, पियो पियो, मुँह खोलो, पियो। पूरा पी जा। इतने साल तुमने मेरी सेवा की है, आज से मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। सुनिए जी, मैं आपके साथ 25 साल बिताए हैं, मुझे पता है आपने जूस में जहर मिला है, मुझे पता है। और मैं कर भी क्या सकता था हा? इस हालत में तुम्हें देख नहीं सकता था, इसलिए अगर तुम जिंदा रहोगी तो मुझे भी प्रॉब्लम, तुम्हें भी प्रॉब्लम। गुड बाय, गुड बाय। माँ, 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 तुम्हें क्या हुआ माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? अरे बोलो माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? अच्छी तरह संभालना, ये वादा है। हे भगवान, ठीक है माँ, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, 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 माँ। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने ही मर गई, मैं उसको बचा नहीं पाया, लेकिन इस लड़की को मेरी माँ की तरह मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा।
फिल्म बहुत ही अच्छी है लेकिन अंधेरा है, अच्छी तरह से दिख नहीं रही है। ए, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे है तुम लोग? पत्थर अगर तुम भी मेरी जगह होते तो वैसा ही करते। उसने मुझे धोखा दिया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरे और आरती के बीच में किसी भी तरह का रिश्ता नहीं है, मैंने उसे लाइफ में आज ही पहली बार देखा है। ये मैंने कैसा काम कर दिया, उन एरोगरों की बात सुनकर उसके चेहरे पर मेरे ऐसे डाल दिया। वो कैसी भी हो, वो भले ही कुरूप हो, मैं उससे शादी करूंगा, मैं उसको जिंदगी दूंगा, मैं उसको लाइफ दूंगा। पत्थर, मैं उससे शादी करूंगा। दूसरों को लाइफ देनी है तो इंसान को जिंदा रहना चाहिए। पत्थर, मिनट के अंदर जगह खाली कर दो नहीं तो आलू प्रकाश आ जाएगा। ए, ए, कौन है रे आलू प्रकाश? ए, बाहर आ जा। ए, अरे कौन है रे वो जो मेरा नाम आलू प्रकाश करके पुकार रहा है? ए, किसको बोल रहा है? नमस्ते भाई, गलती हो गई, मारो मत भाई, प्लीज भाई। अरे बाप रे भाई, अरे भाई, अरे बाप रे, अरे पत्थर, मैं तुमको बता रहा हूँ, उसकी शक्ल में थोड़ा नहीं 100 ml का एसिड गिरा है। उस दर्द को ये सह नहीं कर पा रही है, इसलिए मामा कहकर पुकार रही है। जितना भी खर्चा हो परवाह नहीं डॉक्टर, इस लड़की को बचा। अरे भाई अकेले जा रहे हैं, चलो हम लोग भी साथ चलते हैं। आओ आरती, आओ, यही मेरा घर है। आरती, दायां पैर अंदर रखो। रुको, ए पत्थर, इसको क्यों इधर लेकर आया है? तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी और ताकत वाले को कैसी लड़की मिलती है? मैं कैसी अच्छी अच्छी लड़कियों के साथ घूमा हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? हा? ऐसी बदसूरत लड़की को इस घर में लेकर आया है? देखो, या तो इस घर में मैं रहूंगा या ये बदसूरत रहेगी। जल्दी से फैसला कर लो, ऐसे घर से बाहर निकाल दो, निकालो बाहर। ए, जुबान बंद कर। ए, ए, क्या कर रहा है? मेरी आरती को तुमने बदसूरत कहा? ए, हराम कोर, काले बाहर, धक्का मत दे। ए, कमीने कही के मेरी आरती को घर से बाहर निकालने के लिए कह रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल, ए, तूने मेरी बाप को जहर देकर मार डाला था ना? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी आरती को क्या करता है कमीने? चल हट, तू नहीं रहेगा। ए, क्या करता है तू? अपने बाप को मारता है ना, वो भी एक लड़की के लिए। देख, तूने मुझ पे हाथ उठाया ना, तू जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, धूप में मिल जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कह देता हूँ मैं। अपने बाप को मारा तूने?
इधर नजर उठा के देखा तो सिर काटा लूंगा। ठीक है चल, ये बहुत पहले तुझे भगाना चाहिए था, मेरी माँ की वजह से तुझे छोड़ दिया। चलो आरती। पत्थर, वो तुम्हारे पिता है। बच्चा पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता, तुम चिंता मत करो आरती। चलो आरती अंदर चलो। पैसा टाइम पे मेरे को भेज देना, नहीं तो तेरी बीबी को उठा के ले आएंगे। क्या खान, पैसा लेके आया ना? अरे भाई को पैसा दे दो। भाई ये क्या, 2 लाख रुपए कम है? क्या खान, हमारी कोई गलती नहीं भाई, 2 दिन पहले पत्थर भाई आए थे और 2 लाख रुपए ले गए। पत्थर, साहब क्या लेके? आरती तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक सैंडविच चाहिए सर, थोड़ा फैन चालू कीजिए। जली हुई शक्ल को भी फैन चाहिए। मैं क्या हूँ दिखाता हूँ। कौन है रे इधर का वेटर? ए, कोई सुनता ही नहीं है। ए, इधर आ। ऑर्डर बोलिए सर। ऑर्डर बाद में, पहले फैन लगाओ। सर एसी ऑन है सर। क्या एसी ऑन है, फिर हवा क्यों नहीं आ रही है? थोड़ा एसी को मेरी तरफ घुमा दे। सर एसी को ऐसे नहीं घुमा सकते सर। ए, किसको ऐसा बोल रहा है रे तू? एसी नहीं घुमा सकते, वो भी सालू प्रकाश को एसी नहीं घुमा सकते। कौन है तेरा मैनेजर? कौन है? क्या क्या कर उसे बोला? चल जा। ए, ए, देखा ना उसका मैनेजर और सप्लायर दोनों कैसे भाग कर आते हैं मेरे पास, देखना कैसी थी मेरी स्टाइल। सुपर भाई। गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, भेजे की सुनेगा तो मरेगा लल्लू। सर क्या आपने एसी को अपनी तरफ घुमाने के लिए कहा था? हाँ घुमाओ, तुम्हें क्या सेपरेटली बताना होगा? तुम्हें भी कुछ खर्चे पानी की जरूरत है क्या? दूं क्या? सर एक्चुअली अपना एसी अंदर है, आप थोड़ा अंदर आके घुमाएंगे सर? एसी को मैं घुमाऊं? देख लिया ना भाई की आवाज सुनकर कितनी खलबली मच गई है, थोड़ा एसी घुमा कर आता हूँ। चलो चल चलो, बता बता एसी किधर है? आजा। इधर ही सर, नीचे सर। किधर है? इधर ही सर नीचे। कौन सा एसी है रे? सर इधर ही है, आओ सर। यार ये तेरे बात करने का स्टाइल ही बदल गया है। देखो रे उधर, बता ना। क्या बात है, जिन हाथों में चम्मच और प्लेट होते हैं उन हाथों में डंडे हैं। अरे मोटू क्या बोला था तू, एसी रूम में तुझे हवा चाहिए? हाँ एसी को तुम्हारी तरफ घुमाना है भाई। नहीं भाई, गरीब आदमी हूँ, गलती से मुंह से निकल गया भाई, गलती हो गई, माफ कर दो भाई। भाई टिकट पार्ट्स को भी मार दिया ना भाई, अब मैं क्या करूं भाई? हाय हाय, क्या करूं? तुम्हारी शक्ल देखकर ही मैं पहचान गई थी, कोई रॉन्ग पार्टी है। अच्छा ठीक है, टाइम हो रहा है, मुझे पैसा दो। तुझे कौन सा पैसा देना है मेरी बहन? अरे साले, 1 घंटे का 1000 रुपया दूंगा कहकर यहाँ लाए थे और आप कह रहे कि कौन सा पैसा? अरे अरे मेरी माँ, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। अरे बैड टाइम है, बोलो तो ये क्या है? क्या है? अरे हाय, कैसा बुरा समय हो गया है, लड़कियाँ भी मुझे मार रही है। अरे दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। Thank you.
क्या हुआ आरती, क्यों रो रही हो आरती? क्या हुआ बोलो तो आरती, तुम ऐसी रोती रहोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा आरती? नहीं पत्थर, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम ऐसी ही रोती रहोगी तो मुझे पता कैसे चलेगा आरती? क्या हुआ आरती? वो लोग मुझे। आरती, तुम जब से कॉलेज में आई हो तो कुछ ना कुछ झगड़ा चालू ही रहता है। कॉलेज में गुंडे लोग आकर स्टूडेंट्स और लेक्चरर को डराते धमकाते हैं। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए स्टूडेंट्स इनकार कर रहे हैं। अगर ऐसी हालत में तुम कॉलेज में आओगी तो हमारा कॉलेज बदनाम हो जाएगा। सो प्लीज कल से तुम हमारे कॉलेज में मत आओ प्लीज। उसको मैं देखता हूँ, आओ मेरे साथ। ए, तुम एक प्रिंसिपल हो, ऊपर से एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती तुम। ये बेचारी लड़की जीवन में बहुत चोट खाई है, वो सब भूलने के लिए तुम्हारे कॉलेज में आई है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, वो सब छोड़ के तुम उसके घाव पर नमक छिड़कती हो, शर्म नहीं आती? ए, हम जैसे लोफर बदमाश इस कॉलेज में आते हैं तो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन मेरी आरती इस कॉलेज में आई तो तुम्हें बुरा लग रहा है? ए, शरीफों को इज्जत देना नहीं जानती तो तुम्हारा कॉलेज नहीं चाहिए मुझे। दुनिया में तुम्हारा ही कॉलेज नहीं है, संभालो अपने कॉलेज को। मेरे लिए और इसके लिए मैं बस इतना ही काफी है। चलो आरती चलो चलो आरती। थू, सब कचरे लोग हैं, वो एक प्रिंसिपल और ये एक कॉलेज। चलो आरती चलो। रो मत आरती, संभल के आरती संभल के, सब ठीक हो जाएगा आरती। समाज की नजरों की चुभन मुझसे सहन नहीं हो रही है। मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे माफ करना पत्थर। आरती आरती, अरे रात के 2 बज चुके हैं, इतनी रात को बीवी बच्चों के साथ आराम से सोया हुआ था मैं, मुझे क्यों यहाँ लेकर आए हो? तो यहाँ लेकर क्यों आए हो तुम? इतनी रात को मुझसे क्या काम है तुम्हें? मेरी आरती पहले जैसी होनी चाहिए। अभी प्लास्टिक सर्जरी की टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, आरती को 90% पहले के जैसा कर सकते हैं। उसके लिए फौरन से सर्जन को बुलाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बहुत पैसा खर्च होगा। मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए कम से कम 20-25 लाख रुपए खर्च होगा। चाहे कितना भी खर्चा हो परवाह नहीं है, मेरी आरती पहले जैसी होनी चाहिए। बस अगले हफ्ते पैसे आपके हाथ में पहुंच जाएंगे। क्या पत्थर, उसके लिए इतना तकलीफ क्यों उठा रहे हो? उसको इतना डीपली से प्यार करते हो क्या? मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। एक हफ्ते में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करोगे पत्थर? अगर वो पहले जैसी हो जाए तो उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। नमस्ते भाई, उधर देखिए आपको कोई बुला रहा है भाई। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
क्या रवि, अर्जेंट में मुझे क्यों बुलाया? उस जगदीश ने हमारे बॉस रमैया को उड़ा दिया। हाँ खबर मिल गई थी। देखो पत्थर, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आती थी मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी मदद करता था। तो अब तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? वो जेजे नगर का जगदीश हर शुक्रवार को दुर्गा माँ के मंदिर में पूजा करने के लिए आता है। मंदिर में वो अकेला ही रहता है। तुम भी आओ, पूजा करके आते हैं। मैं इधर ही रहता हूँ। सोमवार को पत्थर के लड़के लोग दुर्गा पूजा करेंगे। पत्थर आएगा उस दिन, वो जरूर आएगा। दुर्गा पूजा के रथ को लेके आएगा बांद्रा, अंधेरी, बोरीवली, नाला सुपारा, विरार, दहानू पर जाकर लास्ट होगा। इन सब एरिया में उसके लड़के लोग रहेंगे। हम लोगों को उसे मारने के लिए एक ही जगह है, बोरीवली। बोरीवली और मीरा रोड के बीच में हम किसी भी हालत में उस पर अटैक कर देंगे। अगर वो बच गया तो हम सब के सब मारे। क्या पत्थर, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। किसी लड़की को घर में रखा है ऐसा मैंने सुना है। लड़की नहीं है भाई, कोई जली हुई स्क्रैप है। भाई मुझे थोड़े पैसे चाहिए। किस लिए? घूमने फिरने के लिए? नहीं भाई, पर्सनल काम के लिए। पर्सनल? कितना चाहिए था? 25 लाख। 25 लाख? क्यों? आरती की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए। उस जली हुई लड़की के लिए 25 लाख खर्च करोगे? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उससे शादी करके सोओगे कैसे उसके साथ? उसका चेहरा देखकर तुम्हें डर नहीं लगेगा? के बारे में एक शब्द भी बोला तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। ए, तेरी तो साले, मेरे भाई को ही धमकी दे रहा है। आज के बाद अपना धंधा हम लोग चला लेंगे। आज तक मैं और मेरे लड़कों ने तुम्हारे साथ काम किया, उसके लिए 50 लाख चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर। We'll be right back.
भाई अपने मुंह से गाना गा दो भाई। ए, निकाल रहे पैकेट। बजाओ रे। हम हैं राजा, हम सा कोई, हम सा कोई कहीं नहीं। हम हैं राजा, दिल के हम हैं राजा, तुम सुनो। ए! दिल के हम हैं राजा, तुम सुनो। अपनी बोली चलती है सुनो। ए, जोर से बजाओ रे। ए, जोर से बजाओ रे। आंखों में आंसू क्यों? पत्थर, तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रह पाती। ऐसी बातें मत करो। तुम ऐसी बात करोगे तो मुझसे सहन नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम लोग तुझ पर अटैक करने नहीं आए हैं, तुझे एक
सच बताने आए हैं। क्या है बोलो। देखो पत्थर, तुमने जो सोचा गलत है। तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले हम लोग नहीं हैं। तो भी कौन है? तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला तुम्हारा गुरु जलील है। उसने जयनगर के शेखर भाई से मिलकर तुझे एक स्केच की तरह बनाकर मारने के लिए सोचा था। झूठ बोलेगा तो भगवान की कसम है, इधर आए हुए तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता था पत्थर, तुझे यकीन नहीं होगा, इसीलिए गवाह के साथ आया हूँ। तेरे बारे में जलील को इन्फॉर्मेशन देने वाला, तेरी कमर से रिवॉल्वर निकालने वाला और कोई नहीं, तेरा चेला फिरोज। माफ कर दो भैया, पैसे के लालच में नमक हराम कर दी भाई। मेरी जिंदगी में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा भाई। तुम्हारे साथ मैंने 5 साल जी लगाकर काम किया है भाई। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। नमक हरामी करने वालों को माफ कर दिया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। मुझे पता है पत्थर, तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है। तुमने जलील से 50 लाख रुपए मांगे थे, वो मैं दे रहा हूँ। मुझे जलील का सिर चाहिए। फिरोज मियाँ, मैं सैयद हूँ। फिरोज मियाँ तो अल्लाह को प्यारा हो गया। फोन जलील को दो। भाई पत्थर का फोन। जलील, अगले 24 घंटे में मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, वो भी तुम्हारे अड्डे में। तुम्हें हिम्मत है तो अपने आप को बचा लो। पत्थर! मिश्रा, सैयद, सारे लड़कों को अड्डे में बुला लो। यूपी बिहार से भी लड़कों को बुलाओ। जेजे नगर के भाई को भी खबर पहुंचा दो। वो साला पत्थर हमसे गद्दारी कर चुका है। अगर पत्थर अड्डे पे आ जाए तो उसके इतने टुकड़े करना कि कोई हमसे पंगा ना ले। नायडू, ये 20 लाख रुपए हैं, सब अपने लड़कों में बांट दो। जिन जिन को प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व कर लेंगे। जगह दो रे। डरिए मत, बैठिए डॉक्टर। देखिए डॉक्टर, इसमें 30 लाख रुपए हैं। आरती के ऑपरेशन में किसी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी के बचे पैसे उसकी जिंदगी संवारने के लिए दे दीजिए। मैं वापस आऊंगा या नहीं इसका मुझे भरोसा नहीं है। तुम दोनों आरती के साथ में रहकर आरती की अच्छी तरह से देखभाल करना। उसके ऑपरेशन के लिए मैंने पैसे कहाँ से जमा किए, वो पैसे कहाँ से आए, उसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूं, किसी भी हालत में मेरी आरती को पता नहीं चलना चाहिए। उसको पता चला तो उसे बहुत दुख होगा। पत्थर, अगर आरती पूछेगी तुम कहां पे हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? दूर, बहुत दूर चला गया। चलो चलो।
जहां है दिल की है बाजी लगाते जो ठाने हम कर जाते। क्या चाहा था क्या है पाया भाग्य अपना कहां हमको ले आया। जो हो कर जाओ जाओ जो हो कर जाओ।
पिताजी, पिताजी। बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, बेटा, पिताजी, पिताजी, तूने मुझे पिताजी कहकर बुलाया, मेरी जिंदगी अब सार्थक हो गई है, सार्थक हो गई है। क्या बेटा, क्या है ये सब, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? पिताजी, आरती कहाँ है पिताजी? आरती, आरती सर्जरी होने के बाद घर पे नहीं आई, मैंने उसे बुलाया फिर भी वो नहीं आई, अब वो हॉस्टल में है, कॉलेज के पास जाओगे तो मिलेगी। अच्छा, पत्थर, मेरी आरती कॉलेज में है। ए पत्थर, मैं पूरा बदल गया हूँ, मैं पहले जैसा नहीं हूँ। पत्थर, पत्थर आ जा, पत्थर वापस आ जा, पत्थर। जेल से कब छूटे पत्थर? हमको खबर मिली होती तो हम तुझे लेने आते ना यार जेल में। नहीं डू, मेरी आरती कहाँ है? क्या पत्थर, जब जेल में थे तब भी आरती को पूछते थे और आज भी आरती को ही पूछ रहे हो तुम। अब आरती पहले जैसी नहीं रही है पत्थर, प्लास्टिक सर्जरी करा के वो बहुत सुंदर हो गई है। अगर तुम उसे देखोगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। आरती को देखना चाहता हूं। छोटे इधर आ, जा जाके आरती को बता कि पत्थर आया है। दीदी, पत्थर भाई आ गए। दीदी, क्या बाहर आपके लिए इंतजार कर रहे हैं दीदी? पत्थर, मुझे छोड़कर इतने दिन कहाँ चले गए थे पत्थर? जब तुम यहाँ नहीं थे मैंने एक एक दिन कैसे गुजारा है? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना पत्थर, कभी नहीं। आरती, क्यों आरती, क्यों आरती, क्यों दूर चली गई? आरती, क्या हुआ आरती? ओ, ये दाग, ये सब सिर्फ शरीर पर पड़े हुए दाग हैं आरती, दिल को कुछ नहीं हुआ है आरती। आरती, आरती, जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तब मेरा दिल जैसा था वैसा ही है, अभी भी वैसा ही है। मेरी जान बच गई है, तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया उसकी वजह से आरती, सच्चे प्यार की वजह से। आरती, मैं जिंदा हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, सचमुच तुम्हारे प्यार के लिए। मैं तुम्हें देखने के लिए मौत को भी जीत कर आया हूँ आरती, मौत को भी जीत कर आया हूँ। नो, 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 आरती, आरती, इतने दिनों से उससे मिलने के लिए नहीं आया ना, इसीलिए वो बहुत नाराज हो गई है, बेचारी मेरे बगैर अकेली हो गई थी। जाकर उसे मनाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई ये कार, अबे कदा कहीं का, उस कार में मैं अटूंगा क्या? मेरे साइज के लिए वो कार ही बेस्ट है। आलू प्रकाश बोलते हैं सब मुझे, अब मेरे हाथ में लगी है पत्थर की गाड़ी, पत्थर की गाड़ी मेरे हाथ लगी है।
आरती क्या हुआ, तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी रात में तुम इधर अकेले क्या कर रही हो? ए, तुम रो क्यों रही हो? पत्थर वापस आ गया है। अच्छा, what a great news! ये तो खुशी की बात है, और तुम रो रही हो? 6 साल से उसको देखने के लिए तुम तड़प रही थी, उसके इंतजार में बैठी रहती थी, अब वो आ गया है, अब भी रो रही हो तुम? वही, अब ये पता नहीं वो वापस क्यों आया है। ए आरती, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं है, वो पहले के जैसा नहीं रहा, उसकी शक्ल अब पहले जैसी नहीं, अब वो बहुत गुरूप हो गया है, वो एक पैर से लंगड़ा भी हो गया है, लंगड़ा, उसकी बॉडी में अब एक पार्ट भी बराबर नहीं है, उसे देखकर बहुत डर लगता है। प्यार के लिए शक्ल से क्या लेना देना, ऐसा तुम्हें कहती थी ना? हाँ, मैं बोलती थी, लेकिन अब वो मुमकिन नहीं है, वो सब सिनेमा नोवेल्स की स्टोरीज में ही होता है, लेकिन रियल लाइफ में प्रैक्टिकली उसका फेस करना बहुत मुश्किल है। आरती, ये सब तुम कह रही हो? हाँ, पर वो वैसा नहीं है। वो ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, चुपचाप अंदर आके सो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा स्वार्थी मत बनो। पिताजी, मेरी आरती, जिंदगी में बहुत चोट खाई है पिताजी, बहुत तकलीफ उठाई है पिताजी, बहुत तकलीफ उठाई है, उसको रानी, रानी के जैसा देखना है पिताजी, वो सिर्फ मेरी प्रेमिका ही नहीं है, मेरी दोस्त है, माँ है, सब कुछ है, सब कुछ वही है, अगर उसकी आंख में एक भी आंसू आया तो वो देखने की भी हिम्मत मुझ में नहीं है पिताजी, उसको तकलीफ का पता ही नहीं चलना चाहिए पिताजी, उसे ऐसे ही देखना है पिताजी, ऐसे ही देखना है, ऐसे ही देखना है पिताजी। पत्थर, तुम्हारी माँ ना प्यार से तुम्हें रामू कहकर पुकारती थी, मैं भी वैसे ही रामू कहकर पुकारता हूँ, रामू, रामू, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी की है, छोटी उम्र में ही तुम्हारी माँ से तुमको अलग कर दिया, तुम्हें अनाथ बना दिया, मैं पापी हूँ, तुम्हारे जैसे बेटे के लिए मेरे जैसा बाप नहीं होना चाहिए, राम बेटा, मेरे जैसे पापी को क्षमा कर दो बेटे। पिताजी, पिताजी, ये क्या कर रहे हैं पिताजी, हाथ उठाइए पिताजी, पुरानी बातों को भूल जाइए, अब उसको सोच कर क्या फायदा पिताजी? नहीं बेटा, मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए तुम दोनों की शादी करवा के मैं मरने तक तुम लोगों की सेवा करता रहूंगा, तुम दोनों की मैं अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, मैं सत्य कहता हूँ, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, सिर्फ एक मौका दो मुझे तुम, मैं हाथ जोड़कर तुमसे भीख मांगता हूँ। सुनिए पिताजी, पिताजी, ये सब क्या है पिताजी, मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं पिताजी? नहीं पिताजी, हम ऐसे ही सब जगह हफ्ता वसूली करके एक न एक दिन पत्थर को ओवरटेक कर लेंगे, हम लोग किसी भी एरिया को नहीं छोड़ेंगे, सभी जगह हफ्ता वसूली करेंगे, हाँ समझ गए? इतना सब करके, ये सब करके हमें किस लेवल तक पहुंचना है पता है? एक दिन सब लोग पत्थर को भूल जाएंगे, थर 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 मेरे नाम से कांपने लगेंगे, बच्चे भी मेरे नाम से डरेंगे, अब या तो आलू प्रकाश या पत्थर रहेगा, समझ गए ना? समझ गए ना, आलू प्रकाश या पत्थर, आलू प्रकाश या पत्थर। मैं सच बता देता हूँ, यही पत्थर है, नहीं भाई, नहीं, ये झूठ कह रहा है भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, मत मारो भाई, सब लोगों से मार खा रहा हूँ मैं तो, अरे मैं पत्थर नहीं हूँ। ये लो पत्थर, कॉफी पियो। जब हमारा बॉस ही टकला हो गया तो हम बाल रख के स्टाइल मार के क्यों जिए, इसलिए हमने भी सर मुंडवा दिए, सब जन ने मिलकर। हाँ, सब लोग टकले हो गए हैं, मेरी आरती कॉलेज भी नहीं आई है। आई है पत्थर, अभी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम कॉफी पियो। हाँ।
सामने देख, तुम्हारे अब्बू को मारने वाला वही है। साले, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। देख लिया ना पत्थर, जब से तुमने ये फील्ड छोड़ा है कितने लोग तुम्हें मारने के लिए रेडी हैं। पत्थर, तुम्हें फिर से तलवार उठानी पड़ेगी। पत्थर, अभी भी तुम्हारा नाम सुनते ही पूरा शहर कांपता है, तुम्हें वापस आना होगा। पत्थर, मुझे आरती के प्यार के अलावा इस दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए। आरती का प्यार मिल जाए बस, मुझे अब यह गुंडागिरी पसंद नहीं है। ओह, मेरी आरती आ गई। आरती, रुको आरती, आरती रुको, आरती आरती आरती। ऐसा पागल प्रेमी इस दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। आरती आरती रुको, आरती आरती रुको, आरती कहाँ जा रही हो? रुको आरती, आरती रुको, आरती आरती रुको, आरती आरती क्यों? आरती, मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही हो। आरती, मैं तुम्हारा सुबह से ही इंतजार कर रहा हूँ। ओ, मेरे ऊपर का तुम्हारा गुस्सा अभी उतरा नहीं है। सॉरी आरती, मुझसे भूल हो गई। मुझे पता है तुम मेरा कितना इंतजार कर रही थी आरती, लेकिन मैं क्या करता, परिस्थिति ऐसी थी, मैं नहीं आ सका। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, एक सेकंड के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी कसम, मैं दूर नहीं जाऊंगा। हाँ छोड़, मुझे तेरे पर गुस्सा नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है, प्यार भी नहीं है। तुम मेरे पीछे पीछे आओगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो। चलो देखते हैं। क्यों आरती, मजाक कर रही हो क्या? अरे तेरी तो हमारे एरिया में मेरे ही सामने एक लड़की का हाथ पकड़ कर खींचता है। आपको गलतफहमी हो रही है, हम दोनों लवर हैं। क्या तुम दोनों लवर्स हो? ए, सुनो रे, क्या मजाक कर रहा है हमसे? देखिए, जो मुंह में आए वही मत बोलिए, चाहिए तो उसी से पूछ लीजिए ना। देखिए, वो कौन है मैं उसे जानती नहीं, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आरती, ए, तेरी तो हम लोगों से झूठ बोलता है साले, मारो इसको। आरती, अरे अरे छोड़ दो आरती, आरती छोड़ दो। छोड़ दो, ज्यादा मत मारो, चलो। कौन हो, कहाँ जा रहे हो तुम?
आरती, मुझे आरती से मिलना है। आरती भी नहीं है, कीर्ति भी नहीं है, जाओ चल चल। अरे अरे ये सब क्या है, पत्थर या क्या हुआ आपका? आरती, मेरी आरती को देखने के लिए आया था तो इसने मुझे धक्का मार दिया। मैं आपको अंदर लेके जाऊंगी, आइए संभल के। ए वॉचमैन, इंसानों से कैसे बर्ताव करना चाहिए तुम्हें पता नहीं है? नहीं मैडम, इसके कपड़े देखकर मैंने इसको पागल समझ लिया। इन लोगों को सूट वूट पहनने वाले ही आदमी नजर आते हैं, बाकी सब पागल है क्या? आइए पत्थर, मैं मेरी आंटी को बताऊंगा। बैठिए पत्थर, आप यहाँ बैठिए, मैं जाकर आरती को लेकर आती हूँ। आरती, आरती, पत्थर आया है। वो इधर भी आ गया स्काउंडल, नर्स को जाकर बराबर। आरती, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी स्वार्थी हो गई, पता नहीं था। तुम पहले वाला सब कुछ भूल गई क्या? इतनी हमदर्दी हो रही है तो तुम शादी करो ना उससे। नहीं हो सकता ना, तुम सब एक सुंदर लड़के से शादी कर लोगी, लेकिन मैं उस कुरूप से शादी कर लूं? आरती, आरती, आरती चलो मेरे साथ, चलो बाहर, बाहर आरती। तुम्हें कितनी बार समझाया, मेरे पीछे पीछे मत आओ, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आरती, अगर मेरे ऊपर गुस्सा है तो दो थप्पड़ मार दो, ऐसी बातें मत करो आरती, मुझसे सहन नहीं होता। देखो तुमने जो मजाक किया, उन लड़कों ने कैसे मुझे मारा। आरती, मैंने पिताजी से बात कर ली है अपनी शादी के लिए, हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। आरती, व्हाट शादी? वो भी तुमसे? आईने में अपनी शक्ल देखिए कभी, तुम्हारी बॉडी में एक भी बार बराबर है क्या? देखो देखो इन लड़कियों को, तुम्हें देखकर डर गई हैं। मुझे भी तुम्हें देखकर डर लगता है, अजीब सा लगता है। आरती, मुझे देख के तुम्हें डर लगता है, अजीब सा लगता है? पूरा समाज अगर मुझे कुरूप कह दे तो मैं इतना दुखी नहीं होता आरती। आरती, लेकिन तुमने 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 मुझे कुरूप कह दिया। आरती आरती, मैंने तुम्हारा रूप देखकर प्यार नहीं किया था आरती, तुम्हारा दिल देखकर प्यार किया था, दिल देखकर प्यार किया था। अब मेरा रूप कुरूप हो गया होगा आरती, लेकिन मेरा दिल कुरूप नहीं हुआ है आरती, कुरूप नहीं हुआ है, कुरूप नहीं हुआ है। उस समय हालत कुछ अजीब थी और इस समय हालात कुछ अजीब हैं। उस समय तुम मुझसे प्यार करते थे, अच्छी तरह देखभाल की, वो तुम्हारा कैरेक्टर था, बट मेरा कैरेक्टर वैसा नहीं है। जब मेरे मुंह पर एसिड गिरा था, एक बार भी मैंने अपनी शक्ल आईने में नहीं देखी थी, और उसमें तुमसे शादी करके जिंदगी भर तुम्हारी ये शक्ल देखकर तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे बिता सकती हूँ? पब्लिक के बीच में मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? जो तुमने मेरी मदद की उसमें कितना पैसा खर्च हुआ था बोलो, मैं देती हूँ। एक मिनट रुको, इधर रुको। आरती, आरती, ये लो ये लो, मेरी 6 साल की कमाई, ये सब तुम ले जाओ, अगर कम पड़े तो बोलो, मैं देती हूँ। प्लीज, अब भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ो। आरती, तुमने हमारे प्यार को पैसे से तोला है। आरती, नहीं आरती, मैं पहले ही बहुत पिघल चुका हूँ, अब और पिघलने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम्हारा प्यार अगर नहीं मिला तो मेरा दिल फट जाएगा। आरती, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। आरती, मुझसे दूर मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझसे दूर मत जाओ। आरती, दूर मत जाओ, मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। तुम्हें एक बार बोलने से समझ में नहीं आता है? तुम्हारे साथ मैं जिंदगी नहीं बिता सकती।
यहाँ दिखाई दी है या अपनी शक्ल दिखाई, तो मैं सुसाइड करके अपनी जान दे दूंगी। ए सिक्योरिटी इधर आ। जी मैडम। इसको घसीट कर बाहर फेंक दे। जग है छोटा, रब है रूठा, अपने मुझको क्यों न जाने, करूं मैं क्या, करूं मैं क्या करूं। क्या से क्या हो गया मुझे जाने, हाँ जग है छोटा, रब है रूठा। जान से प्यारी हमारी नहीं, मालिक क्यारी क्यारी नहीं, खुशबू फूलों से अब है जुदा, भोरों को कलियां प्यारी नहीं। जाने ये क्या क्यों है ये गम, कोई कहे समझे ना हम, रोशनी बिन दिल की दिया। क्या से क्या हो गया मुझे जाने, हाँ जग है छोटा, रब है रूठा।
यादों में बसी, गम की खुशी में रोई हंसी, वक्त ने ऐसा दर्द दिया, जिंदगी मौत में मेरी फंसी, तेरे हाथों मेरे सनम आबाद भी फाना भी हम, तुझे चाहूं मर के भी मेरी प्रिया, क्या से क्या हो गया मुझे जान हाँ, जग है छोटा रब है रूठा, अपने मुझको क्यों न जाने, करूं मैं क्या करूं क्या से क्या हो गया मुझे जाने हाँ। आरती आरती, पत्थर हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा रहा है बेटी, हमें बुलाने पर भी वो वापस नहीं आ रहा है। भगवान के लिए तुम उसे जाकर एक बार रोक लो, नहीं तो वो हम सबको छोड़कर चला जाएगा। जाने दो, इस दुनिया से पीड़ा चली जाएगी। मेरे बेटे को पीड़ा बोली तूने? उस दिन तुम उसके पीछे कुत्ते के जैसा घूम रही थी, अब वो नहीं चाहिए? अपने हाथ से जिसे मंगलसूत्र पहनाया, वो पत्नी गैस से जलकर जब जीवन अमृतु के बीच झूल रही थी तो उसकी तड़प को नहीं देख सका और इन्हीं हाथों से पॉइजन देखकर मार डाला मैंने। ऐसा पापी हूं मैं, लेकिन मेरे बेटे का तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता भी नहीं था, फिर भी एक बच्चे की तरह पाला, माँ की तरह देखभाल की तुम्हारी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जितना पैसा आज तक खर्च हुआ मैं देने के लिए तैयार हूं। कितना देगी? कितना देगी ये तुम्हारी शक्ल ठीक होने के लिए? वो किसने दिया? वो पत्थर, पत्थर ने दिया, वो अपने पत्थर ने दिया। वो व्हाट? पत्थर ने? उस पैसे को लाने के लिए उसने कितनी तकलीफें सही पता है तुम्हें? हम लोगों के लाख मना करने के बावजूद उसने हमेशा यही चाहा कि मेरी आरती पहले जैसी हो जाए। तुम्हारी वजह से उसने ऐसी डील कर ली जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, यहाँ तक कि उसने अपने सभी फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने वो लोग मर रहे थे सिर्फ तुम्हारे लिए, वो सब मन ही मन में रख के खुद को सजा देके जिंदा लाश बन गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरी आरती मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे छोड़ के वो कहीं नहीं जा सकती। उसके सामने मैं पहले जैसा पत्थर बन के नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल बोल के उसने गुंडागर्दी छोड़ दी सिर्फ तुम्हारे लिए। आरती उसको देखने के लिए जब भी हम जेल में जाते थे तो वो एक ही बात हमसे पूछा करता था, आरती कैसी है, आरती कैसी है। ऐसे पत्थर को तुमने धोखा दे दिया। ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? क्यों छुपाया मुझसे? बोलो मुझसे, क्यों छुपाया? बोलो ना, बोलो। किसी भी हालत में ये बात आरती को पता नहीं चलनी चाहिए, इसके लिए उसने इतनी तकलीफें झेली, उसको पता चला तो वो जिंदा नहीं रहेगी, ऐसा कहकर हम लोगों से उसने वचन लिया और तुमने उसके साथ कैसी कैसी बातें की। अरे कैसी पापी हूँ मैं,
कैसी पापी हूँ जिसने मुझे जिंदगी दी, उस पत्थर की जिंदगी मैंने छीन ली। मैं पत्थर को देखना चाहती हूँ, उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांगना चाहती हूँ, मैं खुद का समर्पण कर देना चाहती हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, प्यार कोई लेन देन का व्यवहार नहीं है। मैंने तुम्हारी सहायता की, तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ झेला, बहुत ही दुख उठाया मैंने इस एक कारण के लिए। तुम मुझे प्यार करोगी तो वो प्यार नहीं है आरती, वो प्यार नहीं है। प्यार के लिए कोई रूप नहीं होता, तुम्हारे प्यार के लिए है। रूप चला गया तो तुम्हारा प्यार भी चला जाएगा। मेरे प्यार को रूप नहीं है, रूप नहीं है। अगर मैं मर भी गया तो मेरा प्यार जिंदा रहेगा। मिट्टी में मिलने वाले इस शरीर की कीमत करोगी तो वो प्यार नहीं चाहिए, वो प्यार नहीं चाहिए। मैंने प्यार किया है आरती से, इस आरती से नहीं, इस आरती के साथ। इसके साथ सारी दुनिया की कुरूपता छोड़कर मेरे मन को शांति मिले ऐसी जगह ढूंढने जा रहा हूँ। इतनी दूर, दूर, बहुत दूर। मैंने जो गलती की है उसके लिए माफी नहीं है क्या पत्थर? प्यार रहेगा तो क्षमा भी रहेगी, अगर प्यार ही नहीं रहेगा तो क्षमा रहने का तो सवाल ही नहीं है। पत्थर, पत्थर, तुम्हें जब मेरे प्यार में विश्वास हो जाए तब तुम वापस आ जाओगे, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार यहीं करती रहूंगी। पत्थर! नहीं, उसे मत रोकिए। उसको जिधर अच्छा लगता है उसको उधर ही जाने दीजिए। उसने जिंदगी में बहुत तकलीफ उठाई, कम से कम आगे वो सुखी रहेगा। आप चलिए।